गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर, वेशभूषा को प्रणाम, जिसके मुख्य शब्द हैं सजावट, प्रणाम, अपराध, प्रमाणित, पश्चाताप। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है, हमें कभी झूठा घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसे हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती थी। जो व्यक्ति उसकी वाह वाह नहीं करता, उसे वह कठोर दंड दिया करता था। ठीक है, एक नगर में एक राजा रहता था, वह बहुत ही घमंडी स्वभाव का था, और जो भी व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था, वह उसे दंड देता था। एक बार नगर के बगीचे में एक मेला लगा, उसमें फूलों की अनोखी सजावट की गई थी, जिसे देखने के लिए राजा भी अपने मंत्री सहित पहुंचा। ठीक है, क्या हुआ, एक बार नगर के बगीचे में मेला लगा, उसमें फूलों से सजावट की गई थी, जिसे देखने के लिए राजा अपने मंत्री के साथ गया। उस मेले में राजा को एक मैला कुचेला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके कपड़े फटे हुए थे और दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। वास्तव में वह एक भिखारी था। राजा को देखकर वह भिखारी हंसने लगा। मंत्री को यह घटना बुरी लगी। उसने बिगड़कर कहा, ओ मूर्ख, सिर झुका, हाथ जोड़ प्रणाम कर, तुझे पता नहीं है हमारे राजा हैं। इस पर भिखारी बोला, प्रणाम करूं? अरे मैं तो भूल ही गया था। वह राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आपके हार और कुंडलों को प्रणाम, आपके मुकुट को नमन, लेकिन ठीक है, क्या हुआ कि एक व्यक्ति मिला उसको, राजा को एक व्यक्ति मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और वह बहुत ही मतलब गरीब था, भिखारी था। और वह राजा को देखकर हंसने लगा, जिस पर उसके मंत्री थे, उसको उस पर गुस्सा आया। उसने उस भिखारी से कहा कि भिखारी, तो मूर्ख हो क्या, राजा को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, यह हमारे राजा हैं। जिस पर भिखारी ने क्या कहा कि प्रणाम करूं, हाँ मैं तो भूल ही गया था। और वह राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वह राजा से कहता है कि आपके हार और कुंडलों को मेरा प्रणाम, मुकुट को नमन। इस पर राजा ने कहा, लेकिन, लेकिन का क्या मतलब? तो उत्तर मिला, लेकिन आपको प्रणाम नहीं। राजा को उस पर बहुत क्रोध आया। राजा को उस पर बहुत क्रोध आया। राजा की आज्ञा पर दूसरे दिन उसे पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। भिखारी ने राजा से कहा, क्या आप मेरा अपराध बताने का कष्ट करेंगे? मैंने ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया है, और मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है, मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। राजा ने यह सुनकर बड़े आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? यह जानने के लिए आपको अपने वस्त्र बदलकर मेरे साथ चलना होगा, भिखारी बोला। फिर उसने राजा को मैले कुचैले तथा फटे कपड़े पहनाए और चौराहे पर बिठाकर स्वयं उसके निकट में बैठ गया तथा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहने लगा, रुको, कहाँ जा रहे हो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ, देखो ये हमारे राजा बैठे हैं। भिखारी की बात सुनकर हर व्यक्ति हंसता और आगे बढ़ जाता। इस प्रकार शाम हो गई, परंतु किसी ने भी राजा को प्रणाम नहीं किया। तब भिखारी ने कहा, राजन, आपको अपनी स्थिति का पता चल गया, पूरे नगर में आपको कोई नहीं पहचान पाया, फिर आपको किस बात का इतना अभिमान है? प्रशंसा आपकी नहीं, आपके कपड़ों और आभूषणों की होती है। आपने अपनी वेशभूषा बदल ली तो आपको किसी ने भी राजा नहीं समझा और आपकी इज्जत और सत्कार नहीं किया। राजा को भिखारी की बात समझ में आ गई, उसका अभिमान चूर चूर हो गया और उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। उसने भिखारी को अपने गले से लगाया और उसे अच्छे वस्त्र आदि देकर विदा किया। इस प्रकार हमें यह कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न, मौखिक प्रश्न। आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर सिर्फ आपको मौखिक में बताना है। प्रश्न क्रमांक का, राजा को मेले में कैसा व्यक्ति दिखाई दिया, कैसा व्यक्ति दिखाई दिया था राजा को मेले में? राजा को मेले में मेला कुचैला व्यक्ति दिखाई दिया। खा, प्रशंसा किसकी होती है, प्रशंसा किसकी होती है बताइए। इसका उत्तर होगा प्रशंसा अच्छे कार्य व अच्छे व्यवहार करने वालों की होती है या व्यवहार की होती है। गा, राजा ने किसे गले लगा लिया, राजा ने किसे गले लगाया था? राजा ने भिखारी को गले लगाया था जो कि उस मेले में आया था। लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। का, राजा कैसा व्यक्ति था, घमंडी था, न्यायप्रिय था या सत्यवादी था? कैसा व्यक्ति था राजा? घमंडी। किस पर आएगा टिक? घमंडी। खा, राजा हमेशा सुनना चाहता था, अपनी बुराई, अपनी प्रशंसा, इनमें से कोई भी नहीं। राजा हमेशा सुनना चाहता था, अपनी प्रशंसा। गा, राजा को अपनी गलती पर, क्या हुआ था राजा को अपनी गलती पर? दुख हुआ, खुशी हुई या पश्चाताप हुआ? राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। प्रश्न क्रमांक दो, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको उनको पूरा करना है इस बॉक्स से शब्द देखकर। पहला प्रश्न क्या है, एक बार नगर के खाली स्थान में मेला लगा, एक बार नगर के बगीचे में मेला लगा। क्या आएगा इसमें? बगीचे में। खा, राजा को देखकर वह खाली स्थान हंसने लगा, राजा को देखकर कौन हंसने लगा था? भिखारी। क्या आएगा इसमें? भिखारी। गा, राजा को भिखारी पर खालिस्तान आया, क्या हुआ था राजा को भिखारी को देखकर? क्रोध आया था, तो क्या आएगा इसमें? क्रोध। ठीक है। घा, राजा का अभिमान खालिस्तान हो गया, क्या हो गया था राजा का अभिमान? चूर चूर हो गया था, तो क्या आएगा? चूर हो गया। पांचवा नंबर क्या है, खालिस्तान ने भिखारी को गले लगा लिया। आखिरी में क्या, किसने गले लगाया था भिखारी को? राजा ने, तो क्या आएगा इसमें? राजा ने भिखारी को गले से लगा लिया। प्रश्न क्रमांक तीन क्या है, मेल मिलाइए। यहां पर आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला क्या है, राजा, राजा कैसा था? राजा बहुत ही घमंडी था, तो उसको किससे मैच करेंगे? बहुत ही घमंडी था। खा में क्या दिया है, बड़ों को खाली क्या करना चाहिए, किससे मिलेगा? बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, किससे मैच करेंगे? प्रणाम करना चाहिए। सबको किससे मैच करेंगे? सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। अगला क्या है, हमें किससे मिलाएंगे इसको, हमें क्या बचा अब लास्ट वाला, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, तो किससे मैच करेंगे? हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक चार, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत लगाइए। ठीक है, आपको यहाँ पर ये वाक्य पढ़ना है, फिर जो सही है उन पर सही और गलत पर गलत लगाना है। तो पहला क्या है, राजा वाह वाह नहीं करने वालों को पुरस्कार देता था, क्या ये सही वाक्य है? नहीं, तो क्या आएगा इसमें? गलत, क्योंकि राजा तो दंड देता था। खा क्या है, राजा मेले में मंत्री के साथ पहुंचा था, बताइए, राजा मेले में मंत्री के साथ पहुंचा था, हाँ, तो क्या आएगा इसमें? सही। अगला क्या है, राजा ने भिखारी को फांसी पर लटका दिया, क्या राजा ने भिखारी को फांसी पर लटका दिया था? नहीं, तो इसमें क्या आएगा? गलत। अगला प्रश्न है, शाम होने तक राजा को किसी ने प्रणाम नहीं किया, सही या गलत? तो ये सही है, क्योंकि किसी ने भी उसको प्रणाम नहीं किया था। प्रश्न क्रमांक पांच क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, राजा मंत्री के साथ कहाँ गया था, बताइए कहाँ गया था राजा मंत्री के साथ? तो राजा मंत्री के साथ बगीचे में मेला देखने गया था, कहाँ गया था? मेला देखने। खा, मंत्री ने भिखारी से किसको प्रणाम करने को कहा, मंत्री ने किससे कहा था कि प्रणाम करो भिखारी से? राजा को कहा था ना, मंत्री ने भिखारी से किसको प्रणाम करने को कहा? राजा को। गा, भिखारी ने राजा को क्या सीख दी, बताइए क्या सीख दी थी राजा को भिखारी ने? भिखारी ने राजा को सीख दी कि
कि नगर में प्रशंसा आपकी नहीं आपकी आभूषणों की होती है। घा, अंत में राजा ने भिखारी से कैसा व्यवहार किया, इसका उत्तर क्या होगा? अंत में राजा ने भिखारी से कैसा व्यवहार किया था? उसने भिखारी को अपने गले से लगा लिया और अच्छे वस्त्र देकर विदा किया, इस प्रकार उसने यह व्यवहार किया। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान पर, जिसका पहला प्रश्न है बहुवचन लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको बहुवचन बताने हैं। फूल का बहुवचन क्या होगा? फूलों। व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा? व्यक्तियों। राजा का बहुवचन क्या होगा? राजाओं। नगर का बहुवचन क्या होगा? नगरों। इसी प्रकार भिखारी का बहुवचन क्या होगा? भिखारियों। पागल का बहुवचन क्या होगा? पागलों। मंत्री का बहुवचन क्या होगा? मंत्रियों। आभूषण का बहुवचन क्या होगा? आभूषणों। चलते हैं प्रश्न क्रमांक दो की तरफ। प्रत्येक शब्द समूह में सही शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं जिसमें से केवल एक ही शब्द सही है, तो हम देखते हैं पहला क्या है। पश्चाताप, ये भी पश्चाताप है, ये भी पश्चाताप है, ये भी पश्चाताप है। अब आपको इनमें से सही शब्द पहचानना है, तो इनमें से कौन सा इसकी सही स्पेलिंग है आपको उस पर गोला लगाना है। तो इसमें से पश्चाताप की स्पेलिंग क्या होती है? पछुटपा, शा शक्कर वाला शा, चावड़ा चा, तावड़ा ता, पछुटपा, पश्चाताप। आप देख सकते हैं अगला है शब्द है आभूषण। ये क्या लिखा है? आभूषण, लेकिन इसमें कौन सा शा है? शक्कर वाला सा है। ये क्या है? आभूषण, लेकिन इसमें शा षटकोण वाला सा है। तो इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी होगी? आभूषण। आ बड़ा आ, भा में बड़ों की मात्रा भू, शा षटकोण का और अड़ा दुपाई का, क्या बना? आभूषण। अब क्या दिया है अगला? मस्तक, मस्तक, मस्तिष्क, मस्तक। इनमें से सही शब्द कौन सा है जिसकी सही स्पेलिंग है? तो मस्तिष्क। हम किस पर गोले लगाएंगे? मस्तिष्क पर। अगला है व्यक्ति, ये भी व्यक्ति लिखा है पर इसमें बड़ी बड़ी की मात्रा लगी है, और ये क्या लिखा है? व्यक्ति, छुट्टी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्ति। तो इसमें से सही शब्द क्या होगा? व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक तीन, विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, आपको सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके उसको दोबारा लिखना है। तो पहला प्रश्न है राजा बहुत घमंडी था। अब कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। पूर्ण विराम कहाँ पर लगता है? जब वाक्य पूरा खत्म होता है। तो राजा बहुत घमंडी था, यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम। खा, भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर दो वाक्यों को साथ में लिखा गया है, तो दो वाक्यों के बीच में क्या आएगा? कौमा। तो भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, क्या आया यहाँ पर? कौमा, दाढ़ी बड़ी हुई थी। यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ, तो क्या आएगा यहाँ पर? पूर्ण विराम। गा, ओ मूर्ख सिर झुका हाथ जोड़कर प्रणाम कर। तो ओ मूर्ख के बाद में क्या आएगा? ये विस्मयादि बोधक आएगा, क्योंकि ओ मूर्ख, अपन किसी को देख के बोलते हैं ना, जब वो खड़ा रहे मतलब स्तब्ध रह जाता है, सिर झुका, इसके बाद क्या आएगा? कौमा, हाथ जोड़कर प्रणाम कर। यहाँ वाक्य खत्म हुआ, तो क्या आएगा? पूर्ण विराम। घा, क्या आप मेरा अपराध बताने का कष्ट करेंगे? तो इसमें क्या आएगा आखिरी में? पूरा वाक्य वही लिखना है हमको और अंत में पूर्ण विराम लगाना है। प्रणाम करूं, अरे मैं तो भूल ही गया था। किसने? भिखारी ने कहा था प्रणाम करूं, अरे मैं तो भूल ही गया था। तो प्रणाम करूं के बाद में क्या आएगा? विस्मय आदि बोधक, ठीक है, अरे के बाद में भी आएगा और अंत में लास्ट में क्या आएगा? पूर्ण विराम। प्रश्न क्रमांक चार, सही कारक चिन्ह द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये क्या दिए गए हैं? कारक चिन्ह, आपको इनको खाली स्थान में लिखना है। तो पहला क्या है? राजा खाली स्थान, हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने खाली स्थान इच्छा रहती थी, तो राजा को हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती थी, क्या आएगा इसमें? को। और दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा? की। खा, एक बार नगर खालिस्तान बगीचे खालिस्तान एक मेला लगा। एक बार नगर,
के बगीचे में एक मेला लगा। एक बार नगर के बगीचे में मेला लगा। गा, राजा खालिस्तान उसे सजा सुनाई। किसने सजा सुनाई? राजा ने। केस में से क्या लिखेंगे? राजा ने उसे सजा सुनाई। घा, यह जानने खालिस्तान आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या आएगा इसमें? यह जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या आएगा इसमें? के लिए। क्या लिखेंगे हम? के लिए। लास्ट है, राजा ने भिखारी को अपने गले खालिस्तान लगा लिया। किससे लगा लिया था राजा ने? तो राजा ने भिखारी को अपने गले से लगा लिया। क्या आएगा इस खालिस्तान में? से। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।